हाय गाइस, मैं हूं संजय और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे। तो हमने जो डॉक्टर राइजर बनाया था पिछले वीडियो में, तो अभी इस वीडियो में हम बनाएंगे ड्रेनेज राइजर, ठीक है ना। अब मैं इसको ड्रेनेज शुरू करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो ऑलरेडी आपने जो यूट्यूब चैनल में देखा होगा ड्रेनेज का, मैं काफ़ी सारा वीडियो बनाया है। तो उसमें उस फाइल के अंदर मैंने पाइप सिस्टम बनाया था और जो फिटिंग वगैरह लोड करना है, जो फ्लोर ड्रेन बनाया था, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे है वहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैं पाइप बनाऊँगा और मैं दोबारा इसको नया से शुरू नहीं करूँगा, मैं वहाँ से जो पाइप सिस्टम होगा, जो फिटिंग्स होगा, फ्लोर ड्रेन होगा, जो भी है, मैं वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है ना। तो मैं इसको कंट्रोल ओ करूँगा और जो मैंने फाइल बनाया था 13 जो है यहाँ पर मैंने बनाया था, और ड्रेन 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 मॉडल, ठीक है ना। ये वाले फाइल को मैं खोल ले दूँगा और देखता हूँ इसके अंदर जो जो फैमिलीज है, पाइप सिस्टम्स है, जो ड्रेनेज रिलेटेड, मैं उसको कॉपी कर लूँगा ये वाला प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। तो मैं फिर क्या होगा, मेरे को टाइम बच जाएगा मेरा, ठीक है। मैं देखूँगा यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कौन सा फिटिंग्स जो भी है अवेलेबल है, और यहाँ पे मुझे वेंट सिस्टम भी चाहिए होगा, लेकिन वेंट सिस्टम यहाँ पर दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, मैं मुझे इतना से इतना तक मिल गया है, और यहाँ पे देखूँगा फ्लोर ड्रेन है यहाँ पर, फ्लोर ड्रेन में मैं कॉपी कर लूंगा, लेकिन फ्लोर ड्रेन को मैं लगाऊंगा, हाँ, मेरे जो मैकेनिकल वाला फाइल से वहाँ पे लगा दूंगा, और WC वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी है, मैं उसको कॉपी करने का जरूरत नहीं है। मैं बस ये जो फिटिंग वगैरह है ना, कॉपी भी कर सकता हूँ वहाँ से, भी लोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा तो मेरा टाइम जो है बचेगा, और ठीक है मैं बस देख लूँ जो वेंट पाइप है वो नहीं दिख रहा, ठीक है ना। इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक पाइप सिस्टम में इसको कॉपी कर लूँ, ओके यहाँ पर, और यहाँ पे इसको मैं वेंट में कॉन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पे वेस्ट है और वेंट पाइप है, ठीक है ना। तो ये वेंट में कॉन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सीधा इसको पूरा कॉपी कर लूँगा, छोटा सा जुटा जितना है हो सकता है, और मैं अभी क्या करूँगा, फिल्टर में जाऊँगा, फिल्टर में मुझे सिर्फ पाइप और पाइप फिटिंग चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, और मैकेनिकल इक्विपमेंट भी चाहिए, शायद उसमें फ्लोट टेंट भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना सारा मैं ओके कर लूँगा, और मेरे सिस्टम जो फिल्टर के अंदर ये भी पाइप सिलेक्टेड है, ये भी पाइप सिलेक्टेड है, इसमें क्या करूँगा, फ्लोट टेन भी सिलेक्टेड है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा, ठीक है, और मेरा वाला जो फाइल्स है यहाँ पे जाऊँगा, और मैं यहाँ पेस्ट नहीं करूँगा, कहीं खाली जगह में इसको पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद इसको मैं डिलीट भी कर दूँगा, ठीक है, ओके ओके, कंट्रोल भी आ गया है। और यहाँ पे जितना सारा देखो फ्लोट ड्रेन भी है, जितना सारा छोटा छोटा चीज़ है, इसको यहाँ पे आ गया है, लेकिन मुझे अभी ये जो जैसे मैंने कॉपी किया ना, पाइप सिस्टम है, जो भी है, फिटिंग्स है, फ्लोट ड्रेन है, सब कुछ आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूँगा, लेकिन फैमिलीज मेरे अंदर जो मेरे जो प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर लोड हो गया, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पाइप है मुझे बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, पाइप का जो मॉडल है स्टार्ट करता हूँ, जो राइजर वाला ड्रेनेज का, तो यहाँ पे मैं पी आई दूंगा पाइप का शॉर्टकट, यहाँ पे पाइप स्टैंडर्ड के अंदर प्लम्बिंग पाइप लूँगा मैं, ठीक है ना, प्लम्बिंग पाइप के अंदर, और मैं यहाँ पे जो मॉडल बन रहा है यहाँ पे एक छोटा सा पाइप बना देता हूँ, और ये 150 का पाइप बन रहा है। इसका सिस्टम जो है मैं देख लूँगा, यहाँ पे मुझे कौन सा सर्विस चाहिए, ये वेस्ट पाइप, ठीक है ना, यहाँ पे वेस्ट पाइप, और इसका जो कलर है अपने आप चेंज हो गया है, इसको मैं मूव करके यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। 150 काफ़ी बड़ा हो गया ना, सही है। अब इसको मैं सेक्शन को मूव करके यहाँ पे ले आऊँगा, ओके, यहाँ पे एक सेक्शन को देखता हूँ क्या है इसके अंदर, ओके। तो ये वाला जो पाइप है यहाँ पे होगा, लेकिन ये जो राइजर पाइप होगा, ठीक है, इसको रोटेट भी कर सकते हो, और यहाँ पे मैं इसको बैठा दिया है, इसको मैं सेकेंड फ्लोर में जाने के बाद इसको मूव करके इसको डायरेक्ट सेंटर में बैठा दूंगा, ठीक है ना। तो ये हुआ मेरा वेस्ट पाइप, इसको चाहे तो आप थ्रू एंड थ्रू यहाँ से यहाँ तक कर दो, ठीक है। और अभी मैं जाऊँगा दूसरा पाइप में, कॉपी करूँगा इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कॉपी अगेन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो पाइप होगा ये सॉयल होगा, तो सॉयल में फेंक दूंगा इसको, ये जो होगा वेस्ट पाइप, ये वेंट पाइप होगा, तो मैं इसको वेंट पाइप में फेंक दूंगा, और इसका जो साइज होगा मैं अभी नॉर्मल स्टार्टिंग में 100 रखता हूँ,
ठीक है, वो जितना वो ऊपर जाएगा राइजर, वो उतना वेंट का पाइप साइज बड़ा होते जाएगा, ठीक है ना। और वेस्ट पाइप सॉइल पाइप जितना ऊपर जाएगा उसका पाइप साइज छोटा होते जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो बाईपास कनेक्शन है वो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ये जो फाइल है मुझे अभी नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दूँ, इसको मैं बंद कर दूँ नो करके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेवल टू में जाऊँगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको इसको कनेक्शन करने के लिए बाईपास, ठीक है। तो इसीलिए सेक्शन को आपको पहले लोडेड करना पड़ेगा, और यहाँ से इसको मैं गो टू व्यू करूँगा, और ये खुल जाएगा सेक्शन। इस खुलने के बाद आपको करना क्या होगा, वाई लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डाट का कनेक्शन तो मैंने कर दिया है, ये जितना ऊपर जाएगा वो चलते जाएगा। और यहाँ पे जो डब्ल्यू सी वगैरह जो आ रहा है ना, वो उसको मुझे शिफ्ट करने का जरूरत होगा, लेकिन वो इन प्रोग्रेस है। मैं पहले फोकस कर रहा हूँ जो लेवल टू का जो राइजर्स है उसको फाइनल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जाके दूसरा प्रोग्राम मैं करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर दूँ लाइन को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉप वाई फिटिंग लगाऊंगा, तो पी एफ वाई फिटिंग, यहाँ पे वाई वाला आ जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने कॉपी किया ना, 100% आएगा। अगर नहीं आए तो यहाँ पे आए ना, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक रिड्यूसिंग वाला होता है, एक नॉर्मल। जो नॉर्मल वाला होता है ना, वो ब्रांच जो है रिड्यूसिंग वाला ले लेता है, तो उसको आपको रिड्यूसर लगाना पड़ता है। तो मैं ये वाला फिटिंग ले लिया है, मान लो ये वाला मैं ले लूँगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। और कोई बात नहीं, इसको मैं चाहे तो ऊपर कर लूँ। और ये वाला साइज़ कितना होगा, 150 का होगा, और ये वाला साइज़ कितना होगा, 100 का ही होगा। और यहाँ पे इसको ड्रॉ पाइप करके इसको मैं अलाइन कर दूँगा यहाँ से यहाँ, और ये जो फिटिंग है इसको मैं घुमा दूँगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो है फिटिंग का डायरेक्शन ऊपर होगा, अगर नीचे होगा तो पानी नीचे की तरफ आ जाएगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा खतरा है। अब दूसरा जो वाई होगा, सी एस दबा की यहाँ पे करो, मुझे लगता है नीचे चला जाएगा अपने आप। हाँ, हो गया नीचे, कोई मुश्किल नहीं है, इसको मैं ऊपर करूँगा। और यहाँ तक कर दिया है, इसको भी ड्रॉ पाइप करके जो नीचे पोर्शन गायब हो गया इसको मैं अलाइन करूँगा फ्लोर टू फ्लोर। और इसको भी वाई को जो है मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि पानी इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, सेम टू सेम मैं भेंट में एक वाई लगाऊंगा, और ये भी नीचे चला गया है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको मैं ठीक कर लूँगा। और यहाँ पे जो होगा ये भी 100 का होगा, और ये भी जो है ना 100 का होगा, ठीक है। इसको ड्रॉ पाइप कर लूँगा, और यहाँ पे इसको फ्लोर टू फ्लोर अलाइन कर लूँगा, ठीक है। अब मान लो पहले मैं सॉइल कनेक्शन करूँगा, तो एक काम करूँगा, जो वेंट पाइप है यहाँ से ड्रॉ पाइप करके मैं यहाँ तक पहले खींच लूँगा, ठीक है। अब ये जो सॉइल पाइप, जो सॉइल पाइप का जो फिटिंग है इसको वाई फिटिंग, इसको मैं मूव करूँगा मिड पॉइंट लेके यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे हो गया ना, यहाँ पे इसको आप ड्रैग करके छोड़ के भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेंट पाइप का सिस्टम है अलग है, और सॉइल का सिस्टम है अलग है, ठीक है ना। तो दो सिस्टम अगर यहाँ पे मर्ज होगा तो यहाँ पे खतरे का क्या है, तो कुछ भी, मान लो ए पाइप वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो ए पाइप सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो जो फिटिंग में एरर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो जब भी जो मान लो मल्टीपल सिस्टम एक कनेक्शन के अंदर आ रहा है ना, उस केस में आप इसको ड्रैग करके छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे आपको अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अलाइन करने के लिए ये वाला अलाइन जो है ना, इसको पहले पॉइंट लूँगा, यहाँ पे पॉइंट भी आ सकता है, पॉइंट ले लूँगा। तो जैसे अलाइन हो गया, मैं प्लान में भी देख लूँगा प्लान में अलाइन है कि नहीं, तो प्लान में भी अलाइन है। अगर ये सारे पाइप सेंट्रली अलाइन है बोल के हो गया, मान लो ये वेंट पाइप यहाँ पे होता, तो उस केस में ना आपको थोड़ा घुमाना पड़ता, ठीक है। मैं अभी करके दिखाऊंगा दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करके बताऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फिटिंग है ना, इसको पकड़ के यहाँ पे स्नैप आ रहा है ना, देखो यहाँ पे छोड़ूंगा, देखो अलर्ट आ रहा है, यहाँ पे जो मल्टीपल सिस्टम कनेक्ट हो रहा है, असाइन टू ए सिस्टम दैट यूज ए डिफरेंट सिस्टम टाइप, तो ये कनेक्ट तो हो रहा है लेकिन एक डिफरेंट सिस्टम में, तो इसीलिए अलर्ट दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो डेबिट में समझ नहीं पा रहा है, जो मुझे कैसे पता चलेगा वो ये सिस्टम, क्योंकि भेंट ऊपर जा रहा है, जो सॉयल है वो नीचे की तरफ पानी आ रहा है, तो वो उस कन्फ्यूज में आएगा, इसीलिए वो अलर्ट दे रहा है। जो मैं फ्यूचर में नहीं कर सकता कनेक्शन का, एरो जो जो सिस्टम दिखाता है ना, उस सिस्टम जो मैं उसको बोलता हूँ, जो डॉक्टर में हम पकड़ के बाद जो सिस्टम दिखाता है ना, सिस्टम इंस्पेक्टर, तो पाइप में भी आता है, लेकिन वो पाइप में वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं फोर्सफुली सिस्टम को, दूसरा सिस्टम को कनेक्शन किया है, ठीक है ना। तो सेम वैसे, लेकिन मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पर्पज करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेन पाइप में जो है ना सिस्टम जो दिखाता है वो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना।
कि ड्रेन पाइप में जो सिस्टम का जो कनेक्शन है, ठीक है, तो ड्रेन पाइप में जो सिस्टम इंस्पेक्टर का जो कनेक्शन है ना, हम आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए उसको अवॉइड करेंगे ड्रेनेज के लिए, मैं हम उसमें सर मॉडलिंग करेंगे ठीक से, कोऑर्डिनेशन भी करेंगे और उसका सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर वैसे ये जो ऑय है मैं नीचे की तरफ भी कर लूँगा, तो बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, मुश्किल नहीं है, आपको ड्रॉ पाइप करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अलाइन कर दूंगा इसको, और ये जो फिटिंग है यहाँ से मैं एक ड्रॉ पाइप करके यहाँ तक ले आ जाऊँगा, ठीक है। और ये वाई जितना से जितना हो सकता है ऊपर कर लूँ, ठीक है। और मैं अभी ये जो फिटिंग है अभी कोशिश करूँ जितना से जितना नीचे, और मैं इसको लेके के नीचे आऊँगा ना, तो यहाँ पे जैसे मूव करूँगा और इवन मीट यहाँ पे कोई स्नैप आ रहा है ना, ये स्नैप में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पूरा कनेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं सिमिलर वायर से अलाइन कर लूँगा पहले, उसके बाद वेस्ट वाला जो वाई फिटिंग है इसका जो पॉइंट पकड़ के यहाँ पे छोड़ दूंगा, वही सेम एरर आएगा, क्योंकि जो मल्टीपल जो सिस्टम है वो जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए वो थ्रेड दे रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ कनेक्शन दिखाना है और हाइट के लिए ड्रॉइंग प्रिपरेशन करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, ये मेरा जो मोटिवेशन है और लक्ष्य है, ठीक है। तो उतना तक मुझे अगर अचीव करना है तो ऐसे तो मुझे छोटा मोटा सिस्टम मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टैप कनेक्शन करके देख सकते हैं, तो टैप में पूरा जो पाइप है कनेक्टेड है, अगर मान लो इस केस में तो आसान हो गया, पाइप जो सेंटर सेंटर अलाइन है बोल के भी कनेक्शन कर दिया, लेकिन इसमें काफ़ी सारा आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकता है। जैसे मान लो मैं क्या काम करता हूँ, एक सेकेंड मैं इसको प्लान में जाऊँगा, ये कनेक्शन अभी देखने में ऐसा होगा, अभी जो लाइन वगैरह है जो बैकग्राउंड जो लिंक का दिख रहा है अभी बाद में इसको बंद कर देंगे, लेकिन मान लो ये तो स्ट्रेट मतलब एक ही लाइन के अंदर सब कुछ कनेक्टेड है, मान लो डीएल करके मैं दिखाता हूँ, तो सारे एक लाइन के अंदर है, सेंट्रली अलाइन है। अगर मान लो आपका वेंट पाइप यहाँ पे होता तो आप फिटिंग तब यहाँ पे आपको घुमा के कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं दोबारा सेक्शन में जाऊँगा, एक आपको दूसरा कनेक्शन करके बताऊँगा जो एक दूसरा टाइप का है, लेकिन वो भी हमें ज़रूरत होता है कभी कभी, ठीक है। मान लो मैं एक पूरा सिस्टम को कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे लेवल टू का मैं दूसरा जगह में कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। कॉपी करके मैं मान लो यहाँ पर रखता हूँ खाली जगह में, ठीक है, ये एक एग्जांपल होगा, लेकिन मैं पहले बोला था जो ड्रेनेज और वेंट जगह, जैसे मान लो राजा टू राजा आपको डिस्टेंस 400 मिनिमम रखना पड़ेगा, चाहे तो इसको 400 से 350 375 के अंदर रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैं दिखाता हूँ मेरा टी आई करके, ठीक है, ये भी 400 होगा, अगर मान लो इससे कम होगा, क्योंकि देखो ये जो पाइप है 150 का है, अगर मैं इसका आउटर टू आउटर मेजर करूँ तो ये 150 से थोड़ा ज़्यादा है, 168 है, ठीक है। तो 160 क्योंकि पाइप का थिकनेस भी होगा ना, तो इसीलिए जो ओरिजिनल नॉमिनल डाया का हिसाब से जो आउटर डाया है थोड़ा बड़ा रहेगा, हो सकता है साइड में ये और भी बड़ा हो, इसका सपोर्टिंग सिस्टम हो सकता है, इसको फिटिंग का जो फ्लेंज है थोड़ा बड़ा हो, तो उसके इसमें जो बीच में जो गैप है वो भी और भी कम हो जाए, तो आपको सारे जो प्रिसीजन रख के ना आपको देखना पड़ेगा कितना आपको मिनिमम जगह होना चाहिए बीच में, ठीक है ना, दोनों राइजर के बीच में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते दोनों पाइप के बीच में जो गैप है 300 से कम रख दिया, तो उस केस में आप तो यहाँ पर तोड़ फोड़ के कर लोगे, लेकिन साइड में वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उस केस में आपको हमेशा ही दो राइजर के बीच में जगह मिनिमम होना चाहिए जो साइड में कंफर्टेबली कनेक्शन हो, ठीक है। अब मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताता हूँ, ये जो बाईपास का, वो भी साइड में कभी कभी होता है, और उसका भी एक बार मैं प्रैक्टिकल अगर दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं मान लो ये वाला जो मैंने कनेक्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया सेम टू सेम, इसको मैं सेक्शन काट के दिखाऊंगा, और सेक्शन काट के बाद ये जो फिटिंग्स है ना ये सारे मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। चाहे तो वाई मैं ठीक है मैं शुरू से करूँगा, तो इसलिए ट्रिम करके मैं इसको जोड़ दूंगा, सॉरी यहाँ पे इसको ड्रैग करके जोड़ दूंगा, और इसको भी ड्रैग करके मैं जोड़ दूंगा, इसको भी मैं ड्रैग करके जोड़ दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ ये पर तीन राजर रखा है, तो तीनों का जो बीच बीच में जो डिस्टेंस है 400 400 का है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जोर जबरदस्ती यहाँ पे कुछ इरोर रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरा मेन जो मेन राजर है यहाँ पे है, कहीं इधर है, मान लो ये जो सेफ्ट है ये और भी नीचे पास आ गया, ठीक है ना, 100 100 के पास आ गया, और भी मूव करके इसको 100 कर दूंगा, मान लो और भी मैं 75 ऊपर कर लूँगा, इसको और भी 75 ऊपर कर लूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कंफर्टेबल जगह रखा था 400 400 के बीच में, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है, एक तो मैं डीएल करके दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक
248 और यहाँ पे 248, तो इतना कम जगह में आप हैंड पाइप कैसे कनेक्ट करोगे। लेकिन साइड में कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो दूसरा साइड सब इसको ले जाने के लिए जो ड्रेनेज पाइप का जो बीच बीच में डिस्टेंस है वो आपको कम करने का, मतलब फोर्सफुली आपको कम करना ही है। मान लो उसके बिना आपका जो साइड में कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको जगह तो दिया गया है, लेकिन आपको कनेक्शन करना है दूसरे ऑप्शन से, ठीक है ना। और साइड वाले बोलेगा जो मेरे लिए जगह चाहिए, तुम इसको छेड़खानी ना करो, ठीक है ना, और मेरे को डॉक्टर जाना है बहुत सारा। तो मुझे बोलेगा साइड में, आपको इतना जगह दिया गया है, इसके अंदर से आपको जो भी करना है करो, ठीक है। मान लो मैं वो साइड वाला, हमें जगह दिया इतना से इतना तक, इतना साइजर के अंदर मुझे सारे जो पाइप है, फिटिंग है, बाईपास कनेक्शन है, सब कुछ करना होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो इस केस में आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे मान लो अभी यहाँ पे जाऊंगा, फिर दोबारा पाइप फिटिंग करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तीनों में कर लिया है पाइप फिटिंग। अब मैं इसको, ये 100 का नहीं है, 150 का होगा, 20 का जो 150 का ही रखता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी 150 का कर दूंगा। और ये जो है फिटिंग को मैं ऊपर कर लूँगा, इसको भी ऊपर, और यहाँ पे ड्रॉ पाइप करके यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। ये कभी कभी आपको ज़रूरत बहुत पड़ेगा, लेकिन वो केस भी बताऊँगा कहाँ पे ज़रूरत होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अलाइन कर दूँगा और यहाँ पे भी ड्रॉ पाइप करके, ठीक है, यहाँ पे अलाइन कर दूँगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ये मेरे को जो वेंट पाइप का जो है ना, यहाँ पे दो वायर लगेगा, CS करके वायर भी ले दूँ, और ये ऊपर फिर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ड्रॉ पाइप कर लूँ और यहाँ पे इसको अलाइन कर लूँ यहाँ से यहाँ तक। तो वेंट पाइप का मुझे यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो सॉइल के लिए कनेक्शन होगा और एक वेस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको मैं फ्लिप कर दूँ, इसको भी फ्लिप कर दूँ, इतना तक तो कॉमन होगा। अब हमारे पास इतना सारा वायर लगाना है, और देखो कितना बीच में जगह है, आप कभी भी इसको कनेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फिटिंग इसके अंदर ही घुस जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम हटाने के लिए हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये जो वाई है जितना हो सकते है कि ऊपर इसको रखूँ तो जगह बनेगा, और ठीक है, ये मैंने कंडीशन बना दिया। अब मुझे यहाँ से इसको कनेक्शन करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कनेक्शन करना पड़ेगा, वो कैसे करना है वो बता दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, एक वाई यहाँ पे है, एक वाई यहाँ पे है, सॉयल का वाई यहाँ पे, और वेस्ट का पाइप जो वाई है यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए दो ऑप्शन है, जैसे मान लो वेंट पाइप का और एक पाइप यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे और एक पाइप यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, आपको वो बस कनेक्शन करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से भी कनेक्शन कर, जैसे मान लो DL करके, मान लो यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे यहाँ पे एक गोल राइजर बनेगा, यहाँ से इसको कनेक्शन करना है, इस पर कनेक्शन करना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं। और चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, मान लो यहाँ से भी ऑप्शन है काफ़ी सारा, ऐसे भी कर सकते हैं चाहे। अभी ये तो हो गया है, अभी मान लो सॉइल का भी यहाँ पे कर लूँ, तो इसका मुझे वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्ट करो, लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा है, इस कॉर्नर में काफ़ी जगह है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेंट पाइप बना के इस कॉर्नर में कनेक्ट करूँगा, इस कॉर्नर में कनेक्ट करूँगा, और सॉइल का भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रख के एक वेंट पाइप, इसमें ऑयल लगेगा, यहाँ पे एक ऑयल लगेगा, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी जगह होना चाहिए, ये अगर स्पेस नहीं बनेगा तो वाई फिटिंग नहीं लग पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करूँगा, जितना से जितना हो सकता है इसको, ओके, अब मैं क्या करूँगा, जो पाइप है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी यहाँ से एक इस पॉइंट में रख दूँगा कहीं एक पे, ठीक है, जो आपको आसान लगे। और एक पाइप जो है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर रखता हूँ, कहीं दूर, इधर भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम जगह देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं लाइन को डिलीट कर दूंगा, अब इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फिटिंग है इधर घूमेगा, ये फिटिंग जो है यहाँ पे घूमेगा, लेकिन ऐसे डिस्टेंस में रखना पड़ेगा जो यहाँ पे वाई थोड़ा टर्निंग का जगह मिले, यहाँ पे भी वाई का टर्निंग जगह मिले, ठीक है ना। लेकिन देखो वेंट वाला जो वाई है थोड़ा कम स्पेस लगता है इसको टर्निंग में, और जो सॉइल वाला है थोड़ा ज़्यादा है, चाहे तो इसको मैं और भी पीछे शिफ्ट कर लूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी जगह लगेगा, ठीक है। और
और चाहे तो इसको भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और मेरा जो पाइप है अभी क्लैश तो कहीं पे नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा स्लैब का एज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, डीएल करके मैं अभी शुरू करूँगा ओरिजिनल कनेक्शन, यहाँ से एक, यहाँ से एक, अब यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो ये जो कनेक्शन देखो बनेगा, अब कैसे करूँगा इसको, मैं रोटेट करूँगा, ठीक है, रोटेट, और ये जो प्लेस करेंगे इसे, इसका सेंटर, फिर इसका सेंटर, ठीक है, ये मेरा जो कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब इसको भी मैं रोटेट करके, इसको प्लेस करके यहाँ पे एक प्लेस पॉइंट और यहाँ पे भी एक प्लेस पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये तो हो गया, अभी मैं इसको भी रोटेट करके प्लेस, फिर ये वाला पॉइंट को लेके यहाँ पर, और ये वाला जो इसको भी रोटेट करके और यहाँ पे प्लेस करके ये वाला और दूसरा ले लूँगा, ठीक है ना। तो एक टर्निंग यहाँ पे रहेगा, दूसरा टर्निंग यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा कम जगह हो रहा है, इसको मैं मूव करके को ध्यान रखना पड़ेगा कहीं पर कोई इधर उधर ना हो, ठीक है। ये अगर मैं थोड़ा चेंज किया है तो आपको ठीक है, इतना ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लिया, ये लाइन भी मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से मान लो यहाँ तक, और यहाँ से मान लो पाइप यहाँ तक, ठीक है। और ये जो फिटिंग देखो थोड़ा सा मिसमैच हो गया ना, थोड़ा मिसमैच होगा तो कनेक्शन नहीं होगा। इसको मैं रोटेट कर लूँगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इसको भी थोड़ा देखो मुंह थोड़ा गैप हो गया ना रोटेट एंगल में, तो इसको भी हमें प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो कनेक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है, इसका पॉइंट लेके यहाँ तक। तो मेरा जो प्रॉपर जो लाइन के हिसाब से फिटिंग रोटेट किया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, सेक्शन को उसी हिसाब से रोटेट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अलाइन करूँगा सेक्शन को, ये लाइन को पहले क्लिक करूँगा, फिर ये जो सेक्शन है, अभी सेक्शन देखो ये घूम नहीं रहा है, ठीक है ना, सेक्शन का जो बेस लाइन है पकड़ में नहीं रहा है। लेकिन ये जो सेक्शन का जो अलाइनमेंट है ना, ये अगर 2020 में आप काम करोगे, 20 से मान लो 2022, वहाँ पे जो मान लो मैं अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये लाइन के साथ जो सेक्शन का लाइन वो कैच कर लेता है, तो जिस एंगल में आप घुमाना चाहते हो तो वो अपने आप सिंगल एलन के हिसाब से वो घूम जाता है। लेकिन वो 2019 में क्या होगा ना, वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मैं एक बार करके दिखाऊं, चलो मैं 2021 खोल लूँगा फाइल, 23 नहीं तो 22 ही कर लूँगा, ठीक है ना, 22 ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाऊँगा सेक्शन को जो अलाइनमेंट है ना, वो 22 में प्रॉपर हो जाता है और 19 में जो होता नहीं है। खोलने देते हैं, खोलने के बाद आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा इसका जो एप्लीकेशन, ठीक है। मैं एक 2022 का रिव्यू, 2022 का एक सेशन खोल लिया है। अब मैं एक न्यू प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैकेनिकल टेम्पलेट, देन ओके करता हूँ। अब ये न्यू से एकदम से नया प्रोजेक्ट खुलेगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा आपको वो दिखाऊंगा, सेक्शन जो अलाइनमेंट है यहाँ पे कैसे डेवलप हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं एक सेक्शन बनाता हूँ, कुछ भी तो है नहीं, इन पे भी बनाऊंगा, और ठीक है। अब मैं मान लो डीएल करूँगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ से कुछ भी एक लाइन बना दिया, और जितना हो सके छोटा भी कर लो, कोई मुश्किल नहीं आपके ऊपर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको अलाइन करूँगा, देखते हैं वो इसके हिसाब से इसका सेक्शन का जो लाइन है इसका स्नैप पकड़ता है नहीं, ठीक है। तो मैं अलाइन करूँगा सिंपल सा, मॉडिफाई में जाने के बाद अलाइन, फिर ए वाला जो लाइन, इसको कोई भी एक लाइन क्लिक कर लो, लाइन का स्नैप, फिर देखो ये स्नैप देखो क्लिक, सेक्शन रोटेशन हो रहा है ना। अगर मान लो इसके साथ रोटेट करना है, इसको क्लिक, फिर इसको, फिर इसके साथ करना है तो इसको क्लिक, इसके साथ करना है इसको क्लिक, इसके साथ करना है तो इसको क्लिक। तो कोई भी एंगल में ना रोटेशन में सेक्शन घूम रहा है, क्योंकि सेक्शन का जो लाइन है वो मैं पकड़ पा रहा हूँ स्नैप में। लेकिन ये सिर्फ 2022 और 2021 के बाद से शुरू हो रहा है, ठीक है। आप एक बार स्टडी करके देखो आपके पास कौन सा वर्जन है, वहाँ पे जो सेक्शन रोटेशन अलाइन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। कोई भी स्नैप में अगर मान लो पी आई पाइप करता हूँ, ठीक है, इसके एंगल से मैं ये सेक्शन रोटेट करना है तो रोटेट हो जाएगा। इसके ऊपर आप यहाँ पे सेक्शन बना रख के आप अपना काम कर सकते हो, डॉट डी टी करके आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे मान लो डॉट का रोटेशन भी यहाँ पे है, कुछ ऑट एंगल है, मैं इस ऑट एंगल के हिसाब से सेक्शन मूव करूँगा, तो सेक्शन भी अपने हिसाब से वो उसी एंगल में फिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन जो है ना मेरे पास 2019 में नहीं है, तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ जो
जो एप्लीकेशन थे उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा है वर्सन में, जितना वर्सन अपडेट हो रहा है उसका जो फ़ायदा है एडवांटेज भी है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन छोटा छोटा एडवांटेज है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, जब आप काम करोगे ना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर दूँ, आपने देख लिया होगा जो सेक्शन कैसे रोटेट हो रहा है, कैसे हम स्नैप में पकड़ पा रहे हैं, तो इसको नो करके बंद कर दूँ और मैं दोबारा मेरा जो 19 है उसमें चला जाऊँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं दोबारा वही करता हूँ, देखो यहाँ पे अलाइन करता हूँ ना लाइन के हिसाब से, देखो इसका कोई भी स्नैप नहीं आ रहा है। तो इस केस में आप थोड़ा डरना नहीं है, ये जो है ना जैसे मान लो गाड़ी में जो दो टायर का गाड़ी होता है, एक गाड़ी है ऑटोमेटिक है जिसमें जो गियर वगैरह आप ऑटोमेटिक अपने आप चेंज कर दो, लेकिन दूसरा गाड़ी है जो मैनुअली है, मैनुअली हाथ में पकड़ के इसे इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वे मान लो 2019 जो है आपका मैनुअल रिवर्स जो गियर वाला गाड़ी है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको खुद करना पड़ेगा, जो आपको मेन पॉलिश प्रैक्टिस है ना वो मैनुअल में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं सेक्शन को रोटेट करूँगा इस अलाइन में, ठीक है ना, तो आपका जो काम है प्रॉपर होगा, नहीं तो आप इस एंगल में करोगे ना आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो इसको स्ट्रेट तो है, इसको गो टू व्यू करके मैं देखता हूँ, अब देखो ऐसे घुमा हुआ है, इसको आप ड्रॉप भी ड्रॉप ड्रॉप पाइप कुछ भी करो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, कुछ भी कर लो, कुछ भी किसी के हिसाब से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे भी सब घुमा हुआ है। तो आपको ये पकड़ में ले आने के लिए आपको उसकी अलाइनमेंट में आपको सेक्शन रोटेट करना पड़ेगा। अब ये जो दो वेंट पाइप है इसको मैं नीचे कर लूँ और मेरा पाइप मान लो यहाँ पे है, अब मैं क्या करूँगा इसमें जाऊँगा, अब मैं सेक्शन रोटेट करूँगा, ठीक है। पहले ये जो सेक्शन है मेन वर्सेस स्ट्रेट वाला, इसको मैं छंटाई नहीं करूँगा, जहाँ पर ज़रूरत होगा मैं एक कॉपी रख दिया है कंट्रोल में कॉपी करके, और इसको मैं रोटेट करूँगा, ठीक है। पहले रोटेट करने से पहले इसको मूव करूँगा, ये वाला बेस पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, और इसको रोटेट करूँगा, ठीक है, प्लेस करूँगा फिर यहाँ से और यहाँ पर, तो ए वाला जो एंगल मेरे को मिल गया है सेक्शन का रोटेशन का, और फिर गो टू व्यू करूँगा, यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे वेंट पाइप का जो कनेक्शन है मुझे करने देगा, और यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसमें सेम थ्योरी, मैं पाइप को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ फिटिंग को पकड़ के इसमें पा रहा है ना गोल वाला, ये जब ऐसे आएगा छोड़ दो, अब वो इस जो मल्टीपल जो जो सिस्टम कनेक्शन हो रहा है ना इसीलिए वो अलर्ट दे रहा है, कोई डर नहीं है, जैसे है सही है। और मैं इसको फिर प्लान में जाऊंगा, देखो एक प्रॉपर कनेक्शन हो गया ना, अब मैं सेक्शन को इस रोटेशन में मुझे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस सेक्शन को मैं रोटेशन कर लिया था, इसको फिर दोबारा उसी जगह में ले आने के लिए बहुत मुझे तामझाम करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको सीधा डिलीट कर दूंगा, इसका काम खत्म। फिर दोबारा सेक्शन कॉपी करूंगा, इसको मूव करके पहले इसका बेस पॉइंट पकड़ूंगा, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर रोटेशन, फिर प्लेस करना है, फिर एक वाला पॉइंट एक, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो ये वाला ले लूँगा, तो ये जो सेक्शन है मेरा इस एंगल के हिसाब से रोटेट हो गया, ठीक है। गाड़ी का डिस्टेंस है तो आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा, तो मैं सेक्शन को रोटेट कर लिया है, अब मैं गो टू व्यू करूँगा, अब मैं देखूंगा वेंट वाला पाइप का, ठीक है। अब वेंट वाला पाइप में देखो यहाँ पे मुझे सेम वैसे ड्रॉ पाइप करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको ड्रॉ पाइप करके यहाँ पे पार्टिकल नीचे कर दो, और यहाँ पे अलाइन कर दो पहले, फिर दोबारा इसको अलाइन कर दो, ठीक है। लेकिन हमेशा ये आप याद में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑटोमेट जो खींच के ना फोर्सफुली यहाँ पे जो दो सिस्टम जोड़ जोड़ दिया था, यहाँ पे कभी भी इसको ड्रैग करके छोड़ना नहीं, सिस्टम छोड़ देने से हो तो जाएगा लेकिन कभी कभी इरोर भी आ सकता है, ठीक है। उस केस में आपको पाइप यहाँ पे छोड़ना नहीं है, मैं क्या करूँगा, गाड़ी का डिस्टेंस काफ़ी आता है, ठीक है, फिर भी आप सुन लो, अब मैं क्या करूँगा ये जो पाइप है ना इसको मैं डिलीट कर दूंगा, अब ये जो पाइप है इसको अलाइन कर दूंगा यहाँ से, ये जो अलाइन यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो फिटिंग है ना इसको पकड़ के यहाँ पे सेम वैसे यहाँ पे जोड़ दूंगा, ये मेरा टाइम में पूरा देखो जुड़ेगा, ठीक है, सब जुड़ रहा है, वेस्ट पाइप वेंट पाइप सब जुड़ रहा है, तो ये पाइप मेरा कनेक्शन हो गया है, मैं प्लान में दिखाता हूँ, ये प्रॉपर देखो यहाँ से कनेक्शन हो गया, तो कम जगह में अंदर में कनेक्शन कर लिया, लेकिन इसका जो मेन राइजर पॉइंट और छोटा सा करा है बाईपास के लिए तो ये दूर में रहेगा थोड़ा, लेकिन इसका जो मेन बीच का जो डिस्टेंस है कम के बाद भी मैंने इसको कनेक्शन कर लिया है, ऐसे भी पॉसिबल है। अब मैं सेम वैसे मैं सॉइल का भी करूँगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए सेम वैसे मैं सेक्शन को अभी रोटेट करना पड़ेगा, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, अब इसका जरूरत नहीं है, अब दोबारा इसको मैं कॉपी करूंगा,
इसको मूव करूंगा और कहाँ पे, यहाँ पर बेस पॉइंट, इसको रोटेट करूंगा, पहले प्लेस पॉइंट, फिर पहले पास स्टार्टिंग वाला, फिर रोटेट करके ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। इसको फ्लिप कर लो, ये सेक्शन आपका जो सर्विस के ऊपर ठीक जगह बैठ गया, ठीक है ना। अब मैं इसको गो टू व्यू करूँगा, गो टू व्यू, देन मैं यहाँ पे देखो ड्रॉ पाइप करूँगा, और सॉरी यहाँ पे ड्रॉ पाइप करना पड़ेगा, ड्रॉ पाइप मैं ये वाला ले लिया था, तो ड्रॉ पाइप, ठीक है। तो यहाँ से कोशिश करो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इसको एलाइन कर लो, और इसका जो फिटिंग है इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ दो, वही अलर्ट आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सेम वैसे मैं इस सेक्शन का मेरा काम ख़त्म हो गया, इसको डिलीट कर दो, इसको फिर दोबारा कॉपी करो, फिर इसको मूव करो, यहाँ पे जाने के बाद ये वाला पॉइंट इसको प्लेस करो, फिर रोटेट करो, फिर प्लेस, फिर यहाँ पे क्लिक, फिर ये वाला पॉइंट लेके यहाँ पे बैठा दो, तो आपका सेक्शन यहाँ पे बैठ गया अपने आप। और ये वाला यहाँ पे मैं इसको इसके ऊपर बैठा दूँगा, और इसको मैं गो टू व्यू करूँगा, और यहाँ पे जो पाइप फिटिंग है यहाँ पे ड्रॉ पाइप कर दूँगा, और यहाँ पे ट्रिम भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा ही मैं आपको जो ऐसे बोला, ट्रिम में कनेक्ट तो हो जाएगा लेकिन खतरा भी है, जैसे मान लो सिस्टम इसको चेंज होने का खतरा भी है, मान लो यहाँ पे टैप दबाऊंगा ना, तो यहाँ पे फोर्सफुली मैंने सिस्टम दोनों कनेक्ट किया है, दो अलग अलग सिस्टम। तो कोशिश करो मैं ट्रिम करने की जगह में यहाँ पे ड्रॉ पाइप है फटी के लिए छोटा सा कर लूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला छोटा सा पाइप को इसको डिलीट कर दूंगा, और ये वाला पाइप को मैं यहाँ पे अलाइन कर दूंगा, और यहाँ से यहाँ तक, फिर ये जो फिटिंग है इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर कनेक्शन हो गया है, यहाँ पे टैप दबो तो पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे तो ये जो सेक्शन है इसको मैं दिखाता हूँ 3D में कैसे कनेक्शन हुआ है, ठीक है। इसको मैं पूरा टैप से पकड़ लिया है, फिर बी एक्स दबाओ, सेक्शन बॉक्स, अभी देखो ये पाइप कनेक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। चाहे तो अभी इसको, ये आपके हाथ में है अभी चीज़, सारी चीज़, चाहे तो ये जो इसको यहाँ पे कुछ भी इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, इसमें आपका जो राउटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो बीच में जो देखो कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ पे जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज दो बताता हूँ अभी। पहला वाला मैं बताता हूँ, यहाँ पर ए वाला जो कनेक्शन है यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट था, ठीक है ना, और यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा घुमा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाइप लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ बता दूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे 3D में जाऊँ, यहाँ पे ये वाला कनेक्शन को ले लूँ, जैसे मान लो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखूँ, एक तो यहाँ पे कनेक्शन ये बाईपास, ये और एक बाईपास, यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो पानी ऊपर से सारे आएगा और नीचे के फ्लोर में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है, ऊपर से पानी आएगा नीचे की तरफ चला जाएगा, और ये जो वेंट पाइप है ये बीच में जो है ये एयर को, जो बदबूदार एयर होगा, जो ओडोर स्मेल है, उसको ऊपर की तरफ छोड़ेगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, अगर ये पाइप बाईपास नहीं होगा तो यहाँ पे जो वैक्यूम बनेगा वो फिल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर वेंट नहीं होगा तो पाइप जो है ना पानी नीचे की तरफ जाएगा ही नहीं है, ठीक है। तो एक मसला है, अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो डिसएडवांटेज ये बताता हूँ। जैसे मान लो ये तो साइड में कर देता है, लेकिन मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है पानी, मतलब जो वेस्ट पाइप का जो बहुत ज़्यादा वेस्ट पाइप का प्रेशर हो गया, यहाँ पे भी सॉयल का भी मान लो बहुत ज़्यादा, एक झटके में बहुत ज़्यादा सॉयल वाला जो वेस्ट है इसका लोड हो गया, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, आपका जो सॉयल की तरफ जो आ रहा है जा रहा है ना, तो मान लो नीचे में कहीं पर कुछ गड़बड़ी की वजह से ना सॉयल जा नहीं रहा है, ठीक है, तो वो पाइप में आके आके जमा हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा ना, कुछ सर्टेन लिमिट के बाद ये जो ऑयल, हम तो इसको मुंह ऊपर की तरफ रखा है, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा लोड हो जाएगा ना, तो वो क्या होगा ना, जो सॉयल है फिर रिवर्स में फ्लो होके इस तरफ जो वेंट पाइप की जो पाइप है ना, यहाँ पे भी घुस सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गैदरिंग हो रहा है ना, यहाँ पर गैदरिंग होकर फिर यहाँ पर भी घुसेगा, तो वो सॉयल क्या होगा ना, वेंट पाइप में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा आपको स्पेस बनाना पड़ेगा सॉयल और वेंट के बीच में जो यहाँ पे है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे, तो मान लो मेरा जो नीचे पाइप में कुछ गड़बड़ी की वजह से यहाँ पे सॉइल जमा हो रहा है जो जा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो जब ज़्यादा नहीं होते होते जाएगा, यहाँ पे एक सर्टेन लिमिट तक आपको एक स्पेस देगा, जैसे मान लो
सॉइल जमा होते होते कितना भी कर लो, ये यहाँ पे जैसे मान लो सॉइल घुस भी गया, ठीक है ना, वेन को जो ब्रांच है ना, मान लो सॉइल थोड़ा अंदर तक घुस भी गया, ठीक है, जाते जाते कितना तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ तक जाते जाते ना हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे, नहीं तो वो मान लो पाइप का जो प्रॉब्लम है सॉल्व भी हो गया है। तो इस केस में जो इतना तक इसको कैपेसिटी इतना तक है, ठीक है ना, इतना तक है, ये सॉइल जाते जाते यहाँ तक भी होगा। यहाँ पे सॉइल पहुंचना मीन्स बहुत बड़ा खतरा है, तब तक पाइप ये सॉइल पाइप ये फट भी सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो कैपेसिटी के हिसाब से जो सॉइल जो रिवर्स में प्रूव हो रहा है ना, यहाँ तक ही पहुंच गया मान लो, तब तक क्या होगा ना, पाइप का कैपेसिटी है हमारे पास जो सॉइल को भेंट पाइप के अंदर आने नहीं देगा, इतना तक आपको पाइप को स्टोर रहेगा। और सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से ये अच्छा भी है मेरे ख्याल से। अब मुझे नहीं पता डिजाइन कॉन्सेप्ट और डिजाइनर क्या सोचता है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली जो सोच रहा हूँ, जो यहाँ तक मेरा जो कैपेसिटी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है इस पाइप का, यहाँ पे काफ़ी पाइप लग जाता है, और हो सकता है इसमें जो बहुत ज़्यादा बेंड के वजह से जो भेंट का जो जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, मान लो यहाँ से भेंट पर जो एयर ट्रांसफर होगा ना, तो उसमें काफ़ी तो फ्लो में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना, हो सकता है प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे लेकिन एडवांटेज भी मैं बताया और डिसएडवांटेज भी हो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे तो एडवांटेज वो है, जल्दी से झटक से वो भेंट को यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है ना, तो ये अच्छा है, जल्दी हो जाएगा, इसमें एडवांटेज है। लेकिन जब मान लो नीचे के पाइप में कोई गड़बड़ी होगा, अगर मान लो पाइप में मान लो सडनली जो बैक फ्लो शुरू हो गया, तो जल्दी से ना जो सॉयल है ये वेन पाइप के अंदर आ सकता है, और वेस्ट भी यहाँ पे वेन पाइप के अंदर आ सकता है, तो ये खतरा है। तो मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया है, लेकिन ये जो कनेक्शन में करके रखा हूँ इस साइड में, इसको पड़ा रहने देते हैं, और मैं इसको जो सेटिंग है मैं इसको कॉपी करके बाहर में रख दे दूँ। अगर ये फाइल को मैं सर्वर में रख दूंगा, और इसको आप बाद में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में दे दूंगा, आप यहाँ से फाइल डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं कनेक्शन कैसे मैंने बनाया। तो इतना तक मैंने कर लिया है, और ये जो है मैं एक सैम्पल के हिसाब से बनाया, लेकिन साइड में जो लोग बड़ा बड़ा हाई राइज बिल्डिंग में वो ऐसा फॉलो करते हैं, जो जल्दी जो है जो वेंट वेंट वो जो वेंट पाइप में एयर ट्रांसफर हो जाए, और ये अच्छा होगा फ्लो के लिए, और वो सोचता है जो नीचे कोई गड़बड़ नहीं होगा, सारे जो सेफ्टी मेजरमेंट रख के वो बनाता है, तो वो साइड में ये वाला फॉलो करता है, ठीक है, बड़ा बड़ा हाई राइज बिल्डिंग में। लेकिन अगर मान लो सर्टेन केस में बताया जहाँ पे स्पेस कम है, कोऑर्डिनेशन का मसला है, तो तब जाके आपको ये वाला ऑप्शन भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं साइड में रख दिया, इसको कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बनाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, अगर एक सैंपल बन जाए तो आपका जो टाइम है काफ़ी बच जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर अक्सर रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो जो अलग सा रोटेशन वाला जो सेक्शन है इसको मैं डिलीट कर दूँगा, क्योंकि हमें इसका ज़रूरत नहीं है। इसको डिलीट करने के बाद मैं इसको दोबारा राइजर में जाऊँगा, और राइजर में जाने के बाद यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं वो एक पाइप बनाऊंगा जो एक फ्लोटर में कनेक्शन होगा, ठीक है ना, और मेरे पास फ्लोटर भी होगा, तो एक मैकेनिकल इक्विपमेंट, और यहाँ पे मैं देखूंगा फ्लोटर यहाँ पे है, दो टाइप का फ्लोटर है, एक 45 घुमा हुआ है, एक सिंपल वाला है, तो मैं पहले सिंपल वाला लूँगा, देखूंगा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ये जो इसका जो नेक है स्ट्रेचेबल है, कुछ भी आपको जो चाहिए आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊंगा अभी, मान लो ये आपका फ्लोर डेन है, मान लो ये थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर का जो WC है सेम जगह में होगा, ठीक है, मान लो इसको मैं सेक्शन को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आपको पता चले WC कहाँ है, फ्लोर डेन कहाँ है, इसको गो टू व्यू करके मैं दिखाऊंगा, और यहाँ पे ये जो फ्लोर डेन है इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, कोशिश करो जितना से जितना हो सकता है यहाँ तक, और इसका जो नेक है इसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ यहाँ तक, और ये स्ट्रेचेबल है, और यहाँ पे ये 75 इधर है, 60 50 जो भी है यहाँ पे है, इसको मुझे 75 को जो मेन पाइप है वो रोटेट करना पड़ा, रोटेट करने का ज़रूरत होगा, ठीक है, तो इसको मैं स्पेस बार चला के भी घुमा सकता हूँ, जबकि रोटेट हो जाए ना, और चाहे तो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से जाके 45 यहाँ पर, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे जाके भी कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक क्लीन आउट के लिए ऑयल लगाना पड़ेगा, वो भी एक मसला है। चाहे मैं मेरे ख्याल से आप यहाँ से स्ट्रेट ले लो, और यहाँ पे 45 लगा के कनेक्ट कर दो, 75 का जो पाइप होगा, ठीक है, और यहाँ पे जितना सारा यहाँ पे वेस्ट पाइप का जो होगा वो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होता रहेगा, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, इसीलिए मैं एक यहाँ पे 75 का एक वेस्ट पाइप बना दूंगा, और यहाँ पे मान लो यह है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा,
और यहाँ पे इसको रोटेट करूँगा और यहाँ पे इसको 75 कर दूँगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको अलाइन कर दूँगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पे अलाइन कर दूँ। ओके, ये वाला जो पाइप है स्लोप में होगा, लेकिन इसलिए स्लोप आपको डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले स्लोप डाउन हो गया है, अभी इसको मैं, अभी हुआ नहीं, मैं इसको मैनुअली करता हूँ। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे देखो आपने अभी लिया ना, तो इसीलिए पाइप को पहले छोटा कर लो जितना हो सकता है, नहीं तो एक एलिवेशन के और एक ही अलाइन में आ गया ना, पाइप अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ और इसको 1% कर दूंगा। और कोशिश करो इसका जो है ना स्टार्टिंग में कितना है, अभी 35 है, इसको 75 से 100 के पास रखो। ठीक है ना, 75 रखता हूँ। ठीक है, तब जाकर क्या होगा ना, क्योंकि दूसरा पाइप भी आना है ना, तो ये मुश्किल हो जाएगा फिर। इसको यहाँ पर रहने दो और इसको यहाँ पर इसको छोड़ो। ये मेरा 1% का स्लोप है, फिर जाऊँगा यहाँ पर, फिर ये जो है इसके साथ मुझे अलाइन करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे एक ऑयल लगा के इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गो टू व्यू, और यहाँ पे जो ऑयल मैंने ऑलरेडी लगाया ना, इसको सेज दबा के कनेक्ट कर दूंगा। नहीं हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कोई मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पे इसल करके फोर्सफुली कर दूंगा। ठीक है, और इसका दोनों के बीच में डिलीट करके इसको यहाँ पे डायरेक्ट छोड़ भी सकता हूँ। फिर यहाँ पे 150 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर रोटेशन करना पड़ेगा, और इसका डायरेक्शन इधर इधर ही होना चाहिए। और यहाँ पे जो गो टू व्यू करके, और ये कितना है मुझे देखना पड़ेगा, ये शायद 100, इसको 75 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको ड्रॉ पाइप कर लो, और यहाँ पे स्लोप अप डाउन कुछ भी, लेकिन स्लोप अप करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी स्लोप अप होना है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से अलाइन करता हूँ और मेरा पाइप यहाँ पे बन गया। ठीक है ना, अब ये जो पाइप है, मैं चाहूँगा तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट 45 लगा के भी कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो डायरेक्ट 45 कर दो, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन मैं शायद स्लोप अप में चला गया, इसको स्लोप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप ड्रॉप पाइप स्लोप डाउन पाइप इधर पानी जाएगा ना। ठीक है, तो मैं इसको 45 ऐसे रोटेशन करता हूँ और मैं इसको अलाइन करूँगा यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसा वाल के अंदर आ रहा है फिटिंग, कोई मुश्किल नहीं है, ड्रेनेज के लिए सारा कुछ पॉसिबल है। तो ड्रेनेज में हम काफ़ी ज़्यादा पाइप फ्लो में होता है ना, तो साइड वाला वो मैनेज कर लेता है। वॉल के अंदर कोई अगर आपको ऐसा कटिंग हो रहा है ना, तो वो काट के इसको एडजस्ट कर देता है। अब मैं ये जो ब्रांच है इसको मैं रोटेट करूँगा इसके हिसाब से, इसको रोटेट प्लेस, फिर यहाँ से पकड़ के यहाँ तक। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो फिटिंग सेक्शन है इसको मैं रोटेट करूँगा कितना, 45 में, और यहाँ से मैं इसको ड्रॉप पाइप करके ऐसे यहाँ पे खोलने दो। और ये जो है आ रहा है, अभी मैं क्या करूँगा, टीएल करके यहाँ पे पहले पॉइंट। ठीक है ना, कभी भी आप इसको ऐसा नहीं करो, पॉइंट से पॉइंट करना पड़ेगा, और इसका जो एज है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब फिर जाके कुछ भी कर लो यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से स्लोप नहीं है, इसको ड्रॉ पाइप करके पहले स्लोप थोड़ा बना दो, स्लोप डाउन। ठीक है, फिर भी स्लोप नहीं ले रहा है, तो इसको फोर्सफुली अप कर दो और फिर इसको 1% कर दो। ठीक है, फिर यहाँ से इसका जो पॉइंट पकड़ के ऐसे कर दिया है मैंने, अब मैं यहाँ से इसको, ये तो देखो 1% है और ये भी 1% है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसके साथ इसको अलाइन करूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा, वो सेम थ्योरी, इसको डिलीट कर दो छोटा पीस को, इसको फिर यहाँ से अलाइन कर दो। और ये जो पॉइंट है फिटिंग, पहले इसको कनेक्ट करने से पहले पहले देख लो इसका पॉइंट और पाइप का पॉइंट सेम जगह में है। ठीक है ना, तो कोई भी मिस्टेक एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको पॉइंट पकड़ के जैसे ये स्नैप आया ना, तो इसको छोड़ दो। तो पाइप कनेक्शन है, अभी इस टैब में पूरा पाइप पकड़ में आएगा। ठीक है, मैं प्लान में देख लूँ एक बार, प्लान में भी टैप मार के देख लो पूरा पाइप एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, अभी इतना तक तो मैंने कर लिया है, हो सकता है अभी यहाँ पे ठीक है ना, इसका कनेक्शन भी कर लूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ से मैं इसको 50 का पाइप बनाऊँगा। ठीक है ना, 50 का,
देखो लेकिन यहाँ पे ए फाइव को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 75 की जगह 80 हो रहा है। ठीक है, एक मसला है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो 125 है, 150 है, तो यहाँ पे मुझे 75 करना होगा। ठीक है, और मैं पाइप का मटेरियल चेक कर लूँ एक बार। इसका जो मटेरियल जो है वेस्ट पाइप है, इसका पॉलीवियन क्लोराइड है, तो इसका जो प्रोजेक्ट के अंदर 75 का जो सेटिंग है पाइप साइज का वो नहीं है, तो मैं इसको बनाने के लिए एमएस करूंगा, एमएस मार्केट मैकेनिकल सेटिंग, और पाइप सेगमेंट साइज यहाँ पे मैं पीपीसी देख लिया 640, और यहाँ पे देखो सीधा 65 के ऊपर 80 है, यहाँ पे 75 का कोई पाइप अवेलेबल नहीं है। चाहे तो इसको मैं 75 भी बना लूँ और इनर साइज भी 75.2 ले दूँ, और यहाँ पे आउट साइड जो है ना इसको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, 78.9 जो भी है 78 करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं पता, इसका जो कैटलॉग आपको देखना पड़ेगा उसके हिसाब से आपको 78 समथिंग हो सकता है, 80 भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, और मुझे नहीं पता इसका थिकनेस पाइप का मेटल कैसे होगा, तो मैं अज्यूम करता हूँ 78 के लगभग ऐसा होगा। तो वो आप कैटलॉग के हिसाब से देख के चेंज कर लो आपकी आवाज़। ओके करता हूँ, और 75 का एक बन गया है, इसको मैं ओके कर दूंगा। अभी 75 का पाइप मेरे पास अवेलेबल है, मैं क्या करूँगा इसको टैप दबाऊंगा और यहाँ पे इसको 75 कर दूंगा। ठीक है, 75 हो गया, इसको ये भी 75 अपने आप हो गया है। तो अब ये जो पाइप है इसको मुझे 50 करना पड़ेगा। ठीक है ना, 50 ऑलरेडी है, इसको रोटेट करूँगा यहाँ से यहाँ तक, इसको मूव करूँगा यहाँ से, मान लो इसके है, मान लो यहाँ पे कुछ मसला होता है, जैसे मान लो ये जो बिडट है इसका जो सेंटर पॉइंट कभी कभी सेंटर में हो सकता है, कभी इस साइड में भी हो सकता है, कभी इस कॉर्नर में भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है, वो कैटलॉग के ऊपर डिपेंड करता है। कैटलॉग में ये जो ड्रेन का जो पॉइंट है कहाँ पे होता है, ठीक है ना, मैं कंसीडर करता हूँ इसका जो ड्रेन पॉइंट है सेंटर में ही है। ठीक है, तो मैं इसीलिए क्या करूँगा, इसको रोटेट कर लूँगा, 45 में घूमा था पहले, फिर दोबारा 45 कर लूँगा तो 90 में घूम जाएगा, फिर यहाँ पे इसको 90 करके यहाँ पे रखूँगा, क्या चक्कर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो पाइप है यहाँ पे है, और इसका जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे है, मैं काम करता हूँ ये जो पाइप है इसको नीचे में कर लूँ, और इसका जो पॉइंट है करके फिर पाइप को ऊपर कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने थर्ड फ्लोर का बनाया नहीं ना, तो यहाँ पे ड्रॉ स्लोप अप स्लोप डाउन नो प्रॉब्लम, पार्टिकल हो रहा है, और यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, तो थर्ड फ्लोर में भी सेम जगह होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ये जो पाइप है पूरा पकड़ के ऊपर कर लूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से अलाइन कर दूँगा, और ये जो पाइप है अभी यहाँ पे कर लूँगा। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा ये पाइप को रन करूँगा, कहाँ पे कनेक्ट करूँगा, इसको फ्लोर 10 में कनेक्ट करूँगा, ये जो फ्लोर 10 है यहाँ पे है, चाहे तो ये जो है इसको 45 घुमा लो, और ये इसका स्लोप थोड़ा मूवमेंट हो गया, अगर इसको ऐसे भी रोटेट ना करके दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ओके, जैसे अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लो, फिर रोटेट करो, फिर इसको प्लेस करके यहाँ से बेस पकड़ के इसको 45 कर दो। ठीक है, उस केस में ना इसका स्लोप ना बिगड़ेगा नहीं, 1% ही है। ठीक है ना, अब मैनुअली इसको ड्रैग करके छोड़ेंगे ना तो इसका स्लोप में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, फिर ड्रॉ पाइप करूँगा और ये स्लोप डाउन होगा। ठीक है, यहाँ तक मैं कर लूँ, फिर यहाँ से इसको अलाइन, फिर यहाँ से इसको अलाइन। ठीक है, इसका स्लोप बार बार आपको चेक करना पड़ेगा, स्लोप 1% है, अब देखूंगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया। ठीक है, गो टू व्यू, देन यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे स्लोप तो चला गया है, इसको मैं फोर्सफुली करता हूँ और 1% कर दूंगा, और यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे इसको अलाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा जो ये वेस्ट पाइप यहाँ पे हो गया है, अब दूसरा जो है यहाँ से भी वेस्ट पाइप एक कनेक्शन होगा यहाँ पर, इसको भी 45 लगा के यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, तो आपका जो कनेक्शन है बन जाएगा वॉश पाइप का, और किचन का जो है यहाँ पे फ्लोर टेन का जो अलग से करना पड़ेगा, और उसको फिर ले आना पड़ेगा अलग से, फिर यहाँ पे स्टेयर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, और मैं देखूंगा यहाँ पे कहाँ पे मैं फ्लोर टेन बना सकता हूँ, उसका फिक्चर कहाँ पे होना चाहिए, हुड कहाँ पे होना चाहिए, बाकी सारा जो किचन ओवन कहाँ पे होना चाहिए, सिंक कहाँ पे होना चाहिए, ये सब देखना पड़ेगा, तो मैं वो फाइनल करने के बाद इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे ले आऊँगा, लेकिन ये जो चीज़ होगा थर्ड फ्लोर पर। ठीक है ना, आप एक चीज़ नोट करो, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, जैसे ये जितना सारा ड्रेनेज हो रहा है ना, थर्ड फ्लोर का ड्रेनेज हो रहा है, सेकंड फ्लोर का नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ जितना सारा फिक्चर सेकंड फ्लोर में दिख रहा है वो सेम टू सेम फिक्चर्स थर्ड फ्लोर में होगा फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि मैं थर्ड फ्लोर में ये अभी सेकंड फ्लोर में फोकस कर रहा हूँ ना, तो सेकंड फ्लोर जैसे ही फाइनल हो जाएगा सारी जो चीज़ है मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल दूंगा थर्ड फ्लोर में, तो सब सिमेट्रिकल होगा,
यहाँ पे भी जो सेम कनेक्शन यहाँ पे भी होगा, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इतना तक कर लिया है, और ड्रेनेज का भी कनेक्शन देख सकते हो आप, और इसको मैं सेव कर लूँ फाइल को। ओके, तो अभी जो ठीक है, इतना एक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो बाकी कनेक्शन है मैं दूसरा पार्ट में इसको शिफ्ट करूँगा। तो हमने इतना तक कर लिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ड्रेनेज में ना पूरा इंटरनेशनली दो स्टैंडर्ड फॉलो होता है, एक है बिलो स्लैब थ्योरी वाला और एक है हाई लेवल वाला, ठीक है ना। जो पुराना से पुराना जमाना से चल रहा है, जो मान लो मैं ये जो पाइप बना रहा हूँ सारे हाई लेवल में बना रहा हूँ, सेकेंड फ्लोर का हाई लेवल मीन्स थर्ड फ्लोर का जो बिलो स्लैब का ड्रेनेज है वो यहाँ पे आ रहा है। लोग क्या करता है, जो जो सॉफ्ट ड्रॉइंग के अंदर जो सेकेंड फ्लोर का जो पाइप है ना, जो मान लो सेकेंड फ्लोर का जो फिक्सर का जो कनेक्शन, जो प्लम्बिंग फिक्सर जो भी है, यहाँ से जो ड्रेन पाइप है ना सेकेंड फ्लोर का नीचे चला जाएगा, ऐसा पाइप वो सेकेंड फ्लोर में खड़े होकर दिखाता है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, पाइप का जो बॉटम ऑफ पाइप होगा वो माइनस में दिखेगा सॉफ्ट ड्रॉइंग के अंदर। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होता है, जो साइड पर जाएगा वो माइनस मेजर करेगा, वो देखेगा फास्ट फ्लोर के हिसाब से इतना माइनस है, मतलब कितना ऊपर इसका एलिवेशन है, जो मेजर करते करते जाएगा। लेकिन उस केस में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग चाहिए जो वो देख देख के करेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम की वजह से ना, वो माइनस एलिवेशन की वजह से लोग क्या करता है ना, आजकल हाई लेवल का जो जीनेस स्टैंडर्ड है वो बनाता है। जैसे मान लो सेकेंड फ्लोर में खड़े होकर मैं कौन सा चीज़ हाई लेवल में देख रहा हूँ ड्रेनेज वाला, वो सॉफ्टवेयर में दिखाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, मैं पूरा जो दो स्टैंडर्ड ही आपको करके दिखाऊंगा, जैसे कैसे कैसे पूरा दुनिया में जो स्टैंडर्ड चलता है, और मैं वो करके बताऊंगा जो हाई लेवल है और जो बिलो स्लैब का थ्योरी है, और जो जो बाकी कनेक्शन है वो मैं अभी करूँगा दूसरा पार्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करते हो ये वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला है, और कोई कोई जो एक्सपीरियंस वाला है उसको रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। टेक केयर, बाय बाय।